For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Dr. Zafriq Balgonder. I am working as a senior laparoscopic and bariatric surgeon in Dubai and visiting laparoscopic, bariatric, obesity, weight loss and upper GI surgeon in Pakistan. I am currently operating and consulting in Lahore and Islamabad. I have been graduated from Islamic Medical College in 1996. Then I completed my residency and I have done MCPS and FCPS. Then later on I have completed my MRCS from UK and FRCS from UK. Then I have done fellowship in European Board of Surgery and fellowship in American College of Surgeons. मैं पिछले 13 साल से दुबई में काम कर रहा हूँ इन अपर जीआई लैपोस्कोपिक बैरियाटिक एंड मेटाबॉलिक एंड ओबेसिटी सर्जरी हमारा हॉस्पिटल वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिलिटी इन यूएई वी हैव जेसीआई एक्रेडिटेड सेंटर व्हिच इज़ फुली फंक्शनल ईएमआर एंड वी हैव रेफरल फ्रॉम होल सिटी फ्रॉम द अदर सिटीज फ्रॉम द कंट्री एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल फ्रॉम सऊदी अरेबिया कतर कुवैत यूएई ओमान ग्रीस एंड सम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एज वेल from India and Pakistan as well. So we have a huge, well-dedicated center of excellence for especially upper GI, laparoscopy, bariatric and metabolic and weight loss surgeries. बैरियाटिक सर्जरी इसको वेट लॉस सर्जरी और बेस्ट सर्जरी भी कहते हैं और मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं आज मेरा ये टॉपिक बैरियाटिक सर्जरी है और बैरियाटिक सर्जरी क्या होती है इसमें ये एक्चुअली कि जो पेशेंट वेट गेन करते हैं ओवर द ईयर्स उनको वेट कंट्रोल या वेट लॉस के लिए ये एक यूज़फुल नई टेक्निक्स हैं जिससे आप वेट को कंट्रोल भी करते हैं और उसको नीचे डिक्रीज भी करते हैं तो इसके की प्रोसीजर हैं उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिकेशंस क्या हैं जो पेशेंट यंग है और उनकी बीएमआई मोर देन 40 है तो वो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनकी सर्जरी इंडिकेटेड हो जाती है दूसरे वो पेशेंट जो थोड़ा लिटल ओल्डर है ग्रुप में आते हैं या यंग भी हैं और उनका बीएमआई 35 है और उसके ऊपर है प्लस उनको कोमोबिडिटीज हैं लाइक डायबिटीज़ हाइपरटेंशन डिसलिपिडीमिया आर्थराइटिस बैक पेन स्लीप एपनिया और एनी अदर कंडीशन विच मेक हेम और हर वर्स देन इट ऑल्सो बिकम इंडिकेटेड ये बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट का वेट लॉस करती हैं और इनके जो मेडिकल कंडीशन उनको भी कंट्रोल करती हैं और पेशेंट की लाइफ क्वालिटी और सेफ्टी प्रोफाइल नेक्स्ट मैनी ईयर्स बिकम्स मच बेटर किन लोगों को ये सर्जरी करानी चाहिए और हु शुड कंसिडर दिस सर्जरी ये वो लोग जिनका पहले मैं बताना चाहता हूँ बी एम आई जो बेस्ट की क्लासिफिकेशन ये है कि जो 18 से 24.5 है ये नॉर्मल बी एम आई होता है 24 से 28 इज़ ओवरवेट 28 से 30 इज़ ओबेसिटी एंड 30 से 35 क्लास वन ओबेसिटी 35 से 40 इज़ क्लास टू एंड 40 प्लस इज क्लास थ्री ओबेसिटी 50 प्लस इज सुपर सुपर मॉर्बिड ओबेसिटी तो जिन लोग इस कैटेगरी में आते हैं डिफरेंट बीएमआई में उसके लिहाज से हम उसको स्ट्रेटिफाई क्लासिफाई करते हैं बीएमआई मोर देन 35 हो जाए तो उसके लिए इंडिकेशन बन जाती है सर्जरी कराने के लिए प्लस उसको अगर कोमॉर्बिड कंडीशन लाइक डायबिटीज़ हाइपरटेंशन डिसलिपिडीमिया इस्कीमिक हार्ट डिजीज एनी स्ट्रोक एनी अदर मेडिकल कंडीशन लाइक स्लीप एपनिया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जॉइंट पेन ऑर्थराइटिस इन दिस कंडीशन इट बिकम्स ऑल्सो इंडिकेटेड और अदरवाइज अगर पेशेंट यंग है उसको कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है तो उसका बीएमआई मोर देन 40 हो जाए तो उसके लिए भी ये इंडिकेशन हो जाती है कि वो ये मेटाबॉलिक या वेट लॉस सर्जरी कराएं बायोटिक सर्जरी बहुत ज़बरदस्त टूल है टू कंट्रोल द वेट एंड टू डिक्रीज द वेट ये ऐसे कि हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं इसके जिसको आम जुबान में कैमरा से कहते हैं ये स्मॉल होल्स किए जाते हैं लेप्रोस्कोपी के लिए 4 to 5 समटाइम 4 समटाइम 5 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द वेट एंड अकॉर्डिंग टू द व्हाट प्रोसीजर यू आर गोना डू डू इट सो ये कैमरा होल सर्जरी है ये की होल सर्जरी है इसमें कैमरे के जरिए की जाती है और पेशेंट को बड़ा कट भी नहीं लगता और उसकी रिकवरी बड़ी अच्छी पेन फ्री रहती है उसको पेन नहीं होता है उसी डे पे पेशेंट रिकवर होता है 6 से 8 घंटे बाद वो उसको हम पानी पिलाना शुरू कर देते हैं उसको आउट ऑफ बेड मोबिलाइज करवाते हैं और पेशेंट बिकम्स वेरी गुड आफ्टर लाइक 7 to 8 आवर्स ऑफ सर्जरी ही डजंट फील लाइक एनी सीवियर पेन और एनी अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स तो ये लैप्रोस्कोपी सर्जरी जो कैमरा से या की होल सर्जरी कहते हैं की जाती है कैमरे से की जाती है जिसको की होल सर्जरी कहते हैं इसका ये बेनिफिट है कि पेशेंट की अर्ली रिकवरी होती है फास्ट रिकवरी होती है
पेन फ्री होता है, ऑपरेशन का हॉस्पिटल स्टे भी कम रहता है। जो पहले ज़माने में पिछले कुछ पुराने जो ओपन सर्जरी की जाती थी, पूरे अपडाउन को काट के या उसको स्किन को खोल के और नीचे तक लिपाटमी करके या दूसरे तरीके से ऑपरेशन किए जाते, वो अब इस नहीं होते हैं और लैप्रोस्कोपी से कम्प्लीटली होती हैं और पेशेंट का जो सक्सेस रेट है और रिकवरी है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। बैरियाटिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी में मिसकंसेप्शंस भी हैं, मिथ्स भी हैं इन पाकिस्तान, स्पेशली इन अवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जबकि बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है। स्पेशली आई हैव बीन वर्किंग अब्रॉड इन दुबई, मिडल ईस्ट एंड यूरोप, एंड आई हैव बीन सम टाइम इन USA, तो वहाँ पे लोगों के इतने मिसकंसेप्शंस नहीं है जितने पाकिस्तान में हमारे रीजन में है। यहाँ पे लोग समझते हैं कि इससे वीकनेस हो जाएगी, इससे कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पेशेंट उठ के चल नहीं सकते, वो सही तरह से स्ट्रांग नहीं होते, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होकर वो उसको डिस्टर्ब करती है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिससे हम इस प्रोसीजर को रोक सकें। अगर इसको रिस्क एंड बेनिफिट्स को बैलेंस किया जाए तो इसके बेनिफिट्स बेशुमार हैं। इसके बेनिफिट्स वेट लॉस के साथ आपकी जो जितनी मेडिकल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, बेहतर कंट्रोल हो जाता है, और आप जो कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में होने वाली है, जो रिस्क है आपको फ्यूचर डेवलप हो रहे हैं उस पर बच जाते हैं। तो जो मिसकंसेप्शन है ये टोटली रॉन्ग है, और अगर आपने अच्छी सर्जरी अच्छी तरह से कंसल्ट किया है, अच्छे एक्सपर्ट से कंसल्ट किया है जिसका अच्छा नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जिसकी अच्छी ट्रेनिंग है, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं मच मोर बेटर देन एनी ऑफ द रिस्क। इसके आउटकम और बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और अगर देखा जाए तो एक तो पेशेंट का वेट लॉस होता है सिग्निफिकेंटली। अगर आपने गैस्ट्रिक बाईपास किया तो 60-80% एक्सेस बॉडी वेट लॉस हो जाता है 3-6 months में। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी किया तो उसमें भी 40-60% एक्सेस बॉडी वेट लॉस होता है। अगर आपने दूसरे प्रोसीजर भी कंसिडर करें तो उसमें भी सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है, और ये स्पेशली गैस्ट्रिक बाईपास में सस्टेन्ड वेट लॉस होता है, और जो कि स्लो ग्रेजुअल सस्टेन वेट लॉस कहते हैं। उससे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और आपकी बॉडी नेचुरली स्लो अपने नए एटमोसफेयर में अडॉप्ट करती है। और उसकी बेनिफिट इस कदर ज़्यादा हैं कि आपकी जितनी मेडिकल कंडीशन हैं लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, स्लीप एपनिया, आर्थराइटिस, वो सारे इंप्रूव हो जाते हैं। इवन यंग लेडीज़ में जिनको PCOS है, इनफर्टिलिटी है, उनके भी ये इशू हल हो जाते हैं। और मोस्टली पेशेंट जब वेट लॉस करते हैं तो इनकी प्रेगनेंसी बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स हु हैव डिफिकल्टी इन कंसीविंग, बट आफ्टर सर्जरी एंड वेट लॉस दे हैव गुड फर्टिलिटी रेट, और उसमें कंसेप्शन होती है और बड़ा हेल्दी बेबी वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए काइंडली इसको मिसकंसेप्ट ना समझें, इसको मिथ्स में लेके ना जाएं, इसको अंडरस्टैंड करें। हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, और जहाँ भी आपको लगे आपको पर्टिकुलर प्रॉपर बैरियाटिक एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी फ्यूचर गाइडेंस इसमें लेनी चाहिए। कंसल्ट करना चाहते हैं, ओपिनियन लेना चाहते हैं, अपने आप को असेसमेंट कराना चाहते हैं, तो काइंडली रिक्वेस्ट देम कि वो marm.pk से कंसल्ट करें, उनसे मेरी अपॉइंटमेंट लें और वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं लाहौर में भी देख सकता हूँ, इस्लामाबाद में भी, और दुबई में भी, और बाकी जगहों पर भी जहाँ पे कन्वीनियंट हो। तो आई रिक्वेस्ट देम, मरम ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, लोगों को अप्रोच किया है कि उनके लिए इजी हो फैसिलिटेट करने के लिए, कि अपने एक्सपर्ट से मिल सकें, उनको कंसल्ट कर सकें। तो आप इस मामले में उनसे कॉन्टैक्ट करके हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।